नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूँ आनंद, सिंगरौली, मध्य प्रदेश से केदारनाथ की साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते हुए आज 14 दिन हो गए। 14 दिन के दौरान हमने देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे रात में रुके थे, एक छोटा सा मंदिर था, और हम निकल चुके हैं रुद्रप्रयाग के लिए। श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग निकले। अभी रुद्रप्रयाग 60 किलोमीटर यहाँ से है, और 60 किलोमीटर देखते हैं आज हो पाता है नहीं हो पाता है। और श्रीनगर पहुँचेंगे, वहाँ ब्रश वगैरह अभी कुछ भी नहीं किए हैं, तुरंत उठकर और चल दिए। ये देखिए, बिल्कुल भी जा रहा है, और एक भैया भी आ रहे हैं उधर से। तो ये जो एरिया है देख सकते हैं, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपको ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ऊपर भी घर है भाई। तो पहाड़ का जो लाइफ है ना, ऊपर लोग चढ़ के जाते हैं, और किस तरह जाते होंगे ये पता ही होगा। हमारा सा थोड़ा सा साइकिल का दिक्कत हो गया है, और कट 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 आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ साइकिल का दुकान मिलता ही नहीं है, और साइकिल अब पहाड़ में कोई चलाता ही नहीं, मिलेगा ही क्या। इसलिए पहाड़ी इलाकों में बाइक वगैरह चलते हैं, गाड़ी वगैरह चलते हैं, साइकिल नहीं चलते। देखते हैं श्रीनगर में अगर मिल जाता है तो ठीक करवाएंगे, क्योंकि आगे और समस्या हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो पे। हर हर महादेव। इस तरफ देखो यार, यहाँ पर तो खाई है पूरा। देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ये देखो, मैं यहाँ पर रुका हूँ गाइस। तो गाइस, अभी भोले कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। अभी मौसम भी ठीक ठाक है, और रास्ता भी सही है। आप लोग देख सकते हो, चढ़ानी नहीं है, अभी थोड़ा ढलाई ही ढलाई है। आप लोग देखो पूरा आगे, सब पता नहीं महादेव के हाथ में है, चढ़ाई होगा कि ढलाई। तो गाइस चलिए चलते हैं, आप वीडियो बने रहिए, आपको अपडेट देते रहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, हम अभी मलेथा से थोड़ा सा आगे आए हैं, और रुद्रप्रयाग रोड में। अभी रुद्रप्रयाग कम से कम तो 30-35 किलोमीटर है। तो भैया लोग मिले और हमें बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा ठंडा वगैरह पिलाए, और भैया लोग मिले खड़ा करके। और छोटू को बोल रहे थे, इसको देख रहे थे, भोले का भक्त है, पहली बार यात्रा कर रहा है, और लगातार 13 दिन यात्रा हो गया हमें करते हुए। और 13 दिन में हम अभी मलेथा से थोड़ा सा आगे हैं, और श्रीनगर से कम तो 10 किलोमीटर पीछे। तो भैया लोग कुछ साइकिल यात्रा के बारे में बोलेंगे। यार हिम्मत है आपकी, आप लेके जा रहे हो साइकिल पे। हम भाई गाड़ी में हमारी हालत 12 बजे की। सबसे ज्यादा तो इस छोटे को देख के हमें हिम्मत मिल रही है जी। मतलब बहुत अच्छी बात है भाई, आप यात्रा आपकी अच्छी हो, और वीडियो तो जी। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी हम चल रहे थे, धूप भी थोड़ा तेज हो रहा है धीरे धीरे, और श्रीनगर जाते जाते हम कहीं हम भी रुकेंगे। अच्छा, तो भैया का भी यूट्यूब चैनल है, आपका भी है, किस नाम से है? मेरा मोहन जी। परम ऑन व्हील्स। अच्छा हाँ, परम ऑन व्हील्स के नाम से यूट्यूब के चैनल है भैया का। और हमें भी सपोर्ट करिए, भैया को भी सपोर्ट करिए। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं साइकिल से केदारनाथ का यात्रा कर रहा हूँ,
आज मेरे केदारनाथ यात्रा का 14वां दिन है। सिंगरौली जिले मध्य प्रदेश से मैं यात्रा कर रहा हूँ और अभी मैं हूँ देवप्रयाग के 5 किलोमीटर आगे। आप लोग देख सकते हो पहाड़ों में तो हर हर महादेव दोस्तों जय श्री राम। मैं केदारनाथ की यात्रा कर रहा हूँ। आज मेरे केदारनाथ यात्रा का 14वां दिन है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अभी श्रीनगर पहुंच गए हैं और कीर्ति नगर जो है ये इस साइड जो ये नदी है, यहाँ नदी है जो उस साइड दिख रहा है आपको, ये जो घर दिख रहे हैं उस साइड वो कीर्ति नगर है और नदी के इस साइड आ जा इस साइड जो है हम लोग श्रीनगर में हैं और जो ये नदी है ना, नदी के उस साइड देखिए यहाँ पर एक नदी बह रही है, बीच में ये नदी है, नदी के उस साइड कीर्ति नगर है और ये इस साइड जो पहाड़ है ये श्रीनगर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर नहीं, श्रीनगर उत्तराखंड वाला गढ़वाल है, गढ़वाल जो है टिहरी गढ़वाल वो श्रीनगर है। तो इस साइड हमको जाना है, अभी इधर से ऐसे आए हैं। चलिए वीडियो पे बने रहिए। प्रसादी लेंगे तब खड़े होने देंगे। चलो ठीक है, ले लेते हैं, ऐसे भी पूजा कर लेंगे। सो गाइस देख सकते हैं ये अंकल जी हैं, देखिए इनका ये अंदर भैया जो लोग हैं और बोल रहे थे प्रसाद वाले। अरे नहीं है वो अपना, कोई बात नहीं, यहाँ पर मंदिर का जो प्रसाद देता है उसी को खड़ा होने देते हैं, दूसरे को नहीं होने देते। वो देखिए वो अंकल जी हैं। सो गाइस जी अंकल जी से पूछते हैं कितने का प्रसाद देते हैं अंकल जी? 100 रुपये। अच्छा ये 100 रुपये, 100 रुपये का प्रसाद में क्या क्या डालते हैं? क्या क्या दिखाइए खोल के उसको, क्या क्या है? ये देखो, खोल क्या ये नारियल है, यार रेवरी है और एक सिंदूर है। 100 रुपये चुनरी भी देते हैं कि ऐसे ही? अच्छा हाँ हाँ, देखिए 100 रुपये का प्रसाद दे रहे हैं। धूप माचिस? अच्छा हाँ, ले रहे हैं ना, क्या क्या लेना है भैया? ले रहे हैं, हम तो नहीं लेंगे, सामान मतलब देखभाल करते हैं। रुक जाइए एक मिनट, छोटा अलग है बड़ा। अच्छा, और ये जो मेन एंट्री गेट है, ये जो मेन एंट्री गेट है यहाँ से एंट्री करते हैं और नीचे जाते हैं इस साइड से, उधर नीचे नदी के बीच में है। ये देखिए धारी देवी टेंपल है, ये धारी माता का टेंपल। ठीक है बता दो ना, आप निकालो मत, बता दो बाद। यही मंदिर का गेट है, देख सकते हैं यही मंदिर का गेट है, यहीं से जाएंगे अंदर दर्शन करेंगे, इसके बाद यहां से निकलेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अभी भी 10 किलोमीटर यहां से है, दिखाना नहीं है इसमें, है ना? ये माता का मंदिर का गाइस, अभी हम लोग धारी देवी माता के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये देख रहे हैं मेन एंट्रेंस है यहां पे, हम लोग एंट्री गेट पे पहुंच गए हैं। यहां से हम लोग आए हुए थे, पीछे रुके हुए थे जो गंगा बैज महाराज जी का आश्रम है, ये संगमेश्वर महादेव इस साइड से रुद्रप्रयाग जाती है, यहाँ से एंटर करेंगे। ये देखिए ये पूरा एंटर, चलिए चलते हैं, चलो एंटर। इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा यहाँ से जय भोले की, देखिए यहाँ से, और चलिए आगे इस साइड से ऐसे पूरे नीचे जाते हैं। तो देखिए इधर से ऐसे नीचे उतरेंगे और हमें जाना वहाँ है, वो माता जी का मंदिर है और बीच धार में मंदिर है, कितना गहराई है किसी को पता नहीं, और वहाँ पर एक झूला भी है, इस साइड से उस साइड पुल जाने के लिए रास्ता भी है। उस साइड जो गांव दिख रहा है ना पूरा, वो झूले वाले पुल से ऐसे जाएंगे, झूला वाला पुल भी हम दिखाएंगे आपको, तो बने रहिएगा। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने, नीचे देख सकते हैं ऊपर से आए हैं और ये नीचे साइड जाएंगे, जाना हमें वहाँ है। देखिए तो चलिए चलते हैं, थोड़ा ढलाई भी है लेकिन तो अच्छा है, कम से कम RCC बना हुआ है तो फिसलन वगैरह नहीं होगा, नंगे पे पैर हैं क्योंकि कल जूता वगैरह साफ़ कर दिए थे, तो अभी अच्छे से सूखा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा
दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ गिट्टी वगैरह पूरा आरसीसी बना हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर गन्ने के जूस भी आप पी सकते हैं, देखो गन्ने का जूस है। और यहाँ से नीचे उतरेंगे, आगे जाएंगे ऐसे नीचे उतरेंगे, शक्ति आध शक्ति धारी माँ धारी देवी धर्मशाला है न्यास। ये देखिए यहाँ पर एक भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। ये देखिए कितना धार में बीच नदी बह रही है और बीच धार में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर घोड़ा खच्चर भी है, जिसको चढ़ने नहीं आता नीचे जाना है दर्शन के लिए तो घोड़ा खच्चर भी है। देखिए पीछे आप यहाँ से घोड़ा खच्चर भी ले, जय भोले की। देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य चीज़ें हैं, आपको प्रसाद वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ मिलता है, आप ले सकते हैं प्रसाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और माता जी का फोटो भी बहुत ज़्यादा है, चश्मा घर भी है। ये देखिए यहाँ जो पहाड़ी का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, ये देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस है पहाड़ का जो है होता है, जैसे हिमाचल वाले और सारी चीज़ें पहनते हैं जो पहाड़ी लोग होते हैं, बहुत गर्म कपड़े होते हैं और ये ट्रेडिशनल ड्रेस है पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस। ये देखिए पूरी टोपी वगैरह भी है, ये देखिए ये पहाड़ी टोपी है ट्रेडिशनल ड्रेस। सो गाइस यहाँ जूते चप्पल फ्री में रखा जाता है, आप अपना रख सकते हैं, कोई टोकन नहीं कोई पैसा नहीं, सभी सार्वजनिक रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जूते चप्पल बाहर यहाँ पर उतारें, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर जूते चप्पल यहाँ पर। अब यहाँ से ये जो मेन एंट्री गेट है यहाँ से आप जाएंगे मंदिर मेन, और इस साइड जो जाएंगे ये थोड़ा सा पुल है जो गांव साइड जाता है। देखिए ये पुल है, झूले वाले पुल है जो गांव जाता है। इस साइड मंत्री मंदिर एंट्री कर रहे हैं, ये देखिए मंदिर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा सा भीड़ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अटेंशन लिखा हुआ है, ध्यान दें सिद्धपीठ सेल्फी स्थल नहीं है, सेल्फी वगैरह नहीं लें। देखिए हम लोग नदी के ऊपर ऊपर जा रहे हैं, देखिए नदी के ऊपर ऊपर जा रहे हैं और नदी से कम तो 100 फीट ऊपर हैं हम लोग, 100 फीट ऊपर है नदी। ये देखिए देखिए यहाँ पर चेतावनी भी दिया गया है, मूर्ति की फ़ोटो खींचना मना है, और मूर्ति की फ़ोटो आप नहीं खींच सकते, दर्शन कर सकते हैं फोटो नहीं। यहाँ पर बड़ा घंटा है, देखिए आप बड़ा घंटा है, ये जाने का मार्ग है उधर से, ऐसे उस साइड से घूम के उधर इधर रिटर्न आने का मार्ग है, तो ये जाने का मार्ग है। इधर से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर ये माता जी का यहाँ पर मूर्ति होती है, यहाँ पर मूर्ति है। चलिए हम लोग यहीं, यहाँ ये पूरा प्रवेश है, प्रवेश द्वार, जयंती मंडलम काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि। तो दोस्तों दर्शन वगैरह करके हम आगे देख सकते हैं धारी देवी मंदिर, अंदर फोटो अलाउड नहीं, तो खींचना वीडियो बनाना, तो बाहर आ गए और यहाँ से हम बाहर आए हैं। देखिए उस साइड से अंदर घुस रहे हैं, इस साइड से बाहर, और इधर से ऐसे निकलेंगे, ये परिक्रमा मार्ग है। ये देखिए कुंड है, हमन कुंड है, इस साइड से ऐसे बाहर जाएंगे, तो ये हमन कुंड होते हुए परिक्रमा करते हुए बाहर जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये नदी है, बीच नदी धार में, ये देखिए पूरा ये बीच नदी धार में, वो बीच में पुल है, पुल का भी हम आनंद लेंगे।